सबसे बड़ा मिस्टेक जब आप अपने करियर डिसीजंस लेते हैं वो ये कि पहले आप डिसाइड करते हैं कि पढ़ना क्या है, बाद में आप डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। थिंग्स शुड बी एक्चुअली रिवर्स। सो हाई एवरीवन, दिस इज अश्विन जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि 2022 एंड ऑनवर्ड्स आप कैसे अपने करियर की राइट सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक जब आप अपने करियर डिसीजंस लेते हैं वो ये कि पहले आप डिसाइड करते हैं कि पढ़ना क्या है, बाद में आप डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। थिंग्स शुड बी एक्चुअली रिवर्स। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आप रहते हैं कोलकाता में और आपको जाना है गोवा। अब कोलकाता से गोवा जाने के क्या क्या ऑप्शंस है? आप कार से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप प्लेन से भी जा सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ऐसे भी जा सकते हैं। जोक्स अपार्ट, आप इनमें किसी में भी बैठेंगे तो आप गोवा ही पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आपका डेस्टिनेशन पहले से फिक्स्ड है और डेस्टिनेशन फिक्स्ड है तो फिर रास्ता आप कोई भी चुन सकते हैं, आप जाने का जो व्हीकल है वो कोई भी चुन सकते हैं, आप गोवा ही पहुंचेंगे। बट इस सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं। अब की बार आपने गोवा डिसाइडेड नहीं कर रखा है, सो राइट नाउ आपके मन में कोई प्लान नहीं है कि आपको गोवा जाना है। आप डायरेक्टली स्टेशन पहुंच जाओ, रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पहुंच कर आप रैंडम लोगों से पूछो कि भाई कौन सा ट्रेन सबसे अच्छा है, तो हर कोई आपको अलग अलग ट्रेन का एग्जाम्पल देगा, हर कोई आपको अलग अलग ट्रेन में बैठने के एडवाइसेस देगा। और आप मान लो किसी रैंडम पर्सन के एडवाइस पे किसी भी ट्रेन में जाकर बैठ जाओ तो कितने चांसेस है कि आप गोवा पहुंचेंगे? चांसेस है बट बहुत कम, राइट? सो यही चीज हम लोग अपने करियर में भी करते हैं। हम लोग पहले से अपना टारगेट सेट करके नहीं रखते हैं, हम लोग पहले जो ट्रेन में बैठने वाला इंसिडेंट है ना वो करते हैं, मतलब हम लोग पहले पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पढ़ाई कैसे करना शुरू कर देते हैं? रैंडम लोगों से हम लोग पूछताछ करके पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने कुछ रिलेटिव से, अपने कुछ टीचर्स से जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन लोगों से पूछकर, उन पे ट्रस्ट रख के, अपने सीनियर्स पे ट्रस्ट रख के हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और बाद में फिर सोचते हैं कि करना क्या है। ये गलत तरीका है। आपका टारगेट पहले सेट होना चाहिए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कोर्सेस करने हैं, क्या डिग्रीज लेने हैं, क्या स्किल सेट लेना है, ये बाद में डिसाइड किया जाता है। मतलब ऑब्वियस सा बात है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अकाउंट्स की तो पढ़ाई नहीं करेंगे। अब सवाल ये आता है कि टारगेट कैसे सेट करें, मतलब मेरे लिए क्या टारगेट सबसे अच्छा रहेगा, ये कैसे डिसाइड करें? इसके लिए दो ऑप्शन है बट मेरा फेवरेट पहला वाला ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन ये है कि आप वो वाला ऑप्शन चुने अपने करियर में जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट गिटार बजाने में है तो आप गिटार बजाने में ही फोकस करो, उसमें भी बहुत पैसे आप बना लोगे प्रोवाइडेड आपके पास स्किल्स रहे। तो टारगेट के साथ साथ आपके पास स्किल्स होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपना टारगेट इंटरेस्ट के बेसिस पे बनाएं। देखो बहुत लोग हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी करके अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं जो पेंटिंग्स करके अच्छा कमा रहे हैं, उनके पेंटिंग्स फॉरेन तक में बिक रहे हैं, ठीक है। सो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी इंटरेस्ट खराब नहीं होता अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में। बहुत लोग हैं जो डांसिंग करके, सिंगिंग करके, एक्टिंग करके बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो आप कोई भी आपका इंटरेस्ट हो, आप इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में है तो आप पढ़ाई करके ही काम कीजिए, अगर आपका इंटरेस्ट किसी स्पोर्ट्स में है तो आप स्पोर्ट्स में जाकर काम कीजिए। बिकॉज अगर आप इंटरेस्ट को पीछे रख देंगे तो फिर आप जो भी काम करेंगे ना वो मन लगा के नहीं करेंगे, उसमें आपको इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन ये सब ज़्यादा रहेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, आप ज़्यादा दिन वो काम कर नहीं पाएंगे। बिकॉज आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ तक करना है, कुछ एक दो दिन का बात नहीं है, एक दो महीने का बात नहीं है या एक दो साल का बात नहीं है, या आपको पूरे लाइफ वही करना है। सो सेकेंड ऑप्शन जो करियर ढूंढने का या करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने का जो हमारे पास सेकेंड तरीका है वो ये है कि हम लोग ये देखें कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। जैसे कि आज के डेट में ट्रेंडिंग क्या है, आप नोटिस करेंगे अपने आजू बाजू में, नोटिस करो पूरा दुनिया एक फ़ोन में आकर लिमिटेड हो गया है। आज के डेट में लोग क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम में नहीं जाते, लोग हॉटस्टार पे देखते हैं। लोग आज के डेट में फिल्म देखने थिएटर्स में उतने नहीं जा रहे हैं जितने पहले जाते थे। आज के डेट में लोग वो ऐप्स में बैठकर वेब सीरीज़ देख रहे हैं और ऐप्स में बैठकर वो
मूवीज़ देख रहे हैं. सो पीपल आर नॉट गोइंग आउट वेरी मच. लोग एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं जाते हैं, लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं. बहुत आपने खुद, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा लास्ट 2 साल में आप कितनी बार स्कूल गए हैं. आप अपनी पूरी पढ़ाई बैठकर ऑनलाइन कर रहे हैं. सो ज़िंदगी जो है धीरे धीरे फ़ोन में चला आ रहा है, विच मीन्स कि आगे आने वाला टाइम एक डिजिटाइज्ड टाइम आने वाला है. सो आपको जो कोर्सेज करने होंगे, आपको जो करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, इस बात को मन में रख के करना होगा कि उसमें डिजिटाइजेशन से कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए. अगर आप पूरा ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो आज से 15 ईयर्स पहले, आज से 10 ईयर्स पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, तो उसका उतना वैल्यू अब नहीं रहेगा, क्योंकि 10 साल 15 साल पहले जो कोर्सेज होते थे वो फिजिकल वर्ल्ड के होते थे, बट अब जो कोर्सेज आपको करने होंगे वो डिजिटल वर्ल्ड के करने होंगे. सो मेक श्योर कि आप कोई भी करियर ऑप्शन लो, इवन अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर ही बनना चाहते हैं, उसको कैसे आप डिजिटल फॉर्म में लाकर डिजिटल दुनिया अपना बना सकते हैं, इसमें आपको फोकस देना पड़ेगा. तो ये सेकेंड ऑप्शन है. सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अपना करियर सेलेक्ट करना होगा, जो आगे आने वाला समय है उस पे अपना करियर फोकस में लाना पड़ेगा. इससे पहले कि आप आगे चले, हम लोग अपने इसी चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हर 15 दिन पर वी विल बी डिस्कसिंग वन करियर ऑप्शन. ये करियर ऑप्शन वो पुराने ज़माने वाले करियर ऑप्शंस नहीं रहेंगे, मॉडर्न करियर ऑप्शंस रहेंगे जो अपकमिंग ईयर्स में आपको बहुत काम देने वाले हैं. सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. वी आर गोइंग टू डिस्कस वन करियर ऑप्शन एवरी 15 डेज, मतलब महीने में 2 नए करियर ऑप्शन आपको पता चलेगा, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी. कंटिन्यू द वीडियो. एक बार आपने अपना करियर का टारगेट डिसाइड कर लिया, अब समय आता है इस चीज का कि कौन से ट्रेन में जाएंगे, है ना. गोवा डिसाइडेड हो गया तो अब ट्रेन डिसाइड करेंगे. सो एक बार आपने टारगेट डिसाइड कर लिया तो अब समय आता है इस चीज़ का कि अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या स्किल्स लगेगा, क्या क्या कोर्सेज लगेंगे. तो कोर्स अब सिलेक्शन करेंगे, पहले कोर्स सिलेक्शन नहीं करते, पहले टारगेट सिलेक्ट करते हैं, अब कोर्स सेलेक्ट करेंगे. देखो, पहले कोर्स नहीं सेलेक्ट करना है, पहले पढ़ाई नहीं शुरू करना है, पहले ये देखना है कि करना क्या है. अब जो डिसाइडेड है कि ये करना है तो उसको सीखेंगे, उससे रिलेटेड कोर्सेज करेंगे, ठीक है. सो वंस यू हैव डिसाइडेड कि मेरे को, लेट्स से आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो अब आप पहले डिजिटल मार्केटिंग समझ लो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, या यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट या गूगल एड्स या फेसबुक एड्स, आपको इन सब चीज़ों में जाना है, क्योंकि आगे आने वाले ज़माने में ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट होंगे. ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है. आप यूट्यूब खोलते होंगे, आपको धड़ाधड़ ऐड दिखता होगा. आप फेसबुक खोलेंगे, आपको वहाँ पर ऐड दिखेगा. आजकल इंस्टाग्राम पर ऐड आ रहा है, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं. तो जो लोग भी पहले एडवर्टाइजमेंट करते थे वो फिजिकल वर्ल्ड का एडवर्टाइजमेंट, अब गया ज़माना, अब आ गया है डिजिटल वर्ल्ड का एडवर्टाइजमेंट. जिनको ये आता है, जिनको ये अच्छे तरीके से करने आता है, कंपनीज उनको जॉब देंगी, नॉट दोज जिनको फिजिकल वर्ल्ड में एडवर्टाइजमेंट करने आता है. उसका इंपॉर्टेंस अब खत्म हो रहा है, ठीक है. क्योंकि लोग अगर ट्रैवलिंग भी कर रहे होते हैं ना, तो ध्यान इधर उधर नहीं देते, वो ध्यान मोबाइल में ही देते हैं. सो आपको मोबाइल रिलेटेड, डिजिटल वर्ल्ड रिलेटेड ही कुछ करना पड़ेगा. सो वंस यू हैव डिसाइडेड, लेट सपोज कि आपने डिजिटल मार्केटिंग डिसाइड किया, तो आप देखो कि अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स उसमें लगता है, और जो जो स्किल्स उसमें लगेगा उसको हम लोग पाने की कोशिश करेंगे, जो जो डिग्रीज उसमें लगेगा उसको हम लोग पाने की कोशिश करेंगे. जहाँ जहाँ से वो डिग्रीज या वो स्किल्स मिल सकता है वहाँ पर हम अपना एडमिशन कराएंगे, वहाँ से हम अपने कोर्सेज को करने की कोशिश करेंगे. अब इस सेगमेंट में हम लोग ये बात करेंगे कि क्या आपको नहीं करना है करियर डिसाइड करने के टाइम, व्हाट थिंग्स यू शुड अवॉइड. एंड आई एम टेलिंग यू, आपको 3 टाइप के लोगों से बहुत, आई वोंट से कि इनसे बात नहीं करना है, बट आपको इनसे थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है. 3 कैटेगरी के लोग हैं जो आपका करियर बहुत अच्छे से बिगाड़ सकते हैं, और इन तीनों से आपको थोड़ा कॉशियस होकर रहना है. आई एम नॉट टेलिंग टू अवॉइड, आई एम टेलिंग टू बी कॉशियस. नंबर 1, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आप वो नहीं कर सकते जो आपके फ्रेंड्स लोग कर रहे हैं. अगर आपके फ्रेंड्स कोई कोर्सेज कर रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि आपको भी वही कोर्स करना है, क्योंकि आपका और आपके फ्रेंड का माइंडसेट अलग है, आपका और आपके फ्रेंड का इंटरेस्ट अलग है, आपका और आपके फ्रेंड का लर्निंग कैपेसिटी, रिटेंशन कैपेसिटी एकदम अलग है. सो आप और आपके फ्रेंड सिर्फ फ्रेंडशिप बनाओ, बट एक ही करियर में मत आओ,
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए जो अच्छा है वही आपके लिए भी अच्छा होगा. सो नंबर वन थिंग दैट यू शुड अवॉइड इज डूइंग द सेम थिंग एज योर फ्रेंड. नंबर टू, हमारे इंडिया में रिलेटिव्स की कमी नहीं, ठीक है, दूर दूर से रिश्तेदार आ जाते हैं ज्ञान देने के टाइम. सो ऐसे ज्ञानियों से बच के रहना है, बिकॉज यू डोंट नो कि वो आपका भला सोच के बोल रहे हैं या नहीं सोच के बोल रहे हैं. क्या पता कि उनको सिर्फ उतना ही नॉलेज हो, उनको रियल वर्ल्ड में अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे हो सकता है ज़्यादा नॉलेज ना हो. सो रिलेटिव से भी आप काइंड ऑफ थोड़ा बच के रहना, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार आपको अच्छे एडवाइस ही दे, तो आप रिलेटिव्स को भी थोड़ा अवॉइड ही करना, मतलब जब वो करियर एडवाइस दे रहे हैं, अनलेस कि वो करियर काउंसलर्स है, अनलेस कि वो एडुकेशन और ये सब फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पता है कि सच में दुनिया में क्या चल रहा है. अगर वो सच में ये सब करियर और एडुकेशन इन सब लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, देन डेफिनेटली आप उनका एडवाइस लो. अदरवाइज़ अगर वो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए नहीं है, वो सारा दिन घर पर बैठे रहते हैं और फ्री का ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर वो ज्ञान मत लो, वो आपको और डिस्टॉर्ट करेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, आपका तीसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वैसे तो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके करियर के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, बट वो आपके बारे, आपके करियर के बारे में उतना ही सोचेंगे जितना उनके पास फैकल्टीज़ होंगे. अगर उनके पास वो कोर्सेज़ अवेलेबल है तो वही कोर्सेज़ को वो आपको प्रेजेंट करके देते हैं. अपने करियर सेमिनार्स में दे आर गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस विच आर अवेलेबल विद देम एंड नॉट विच आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड. आपको सही अगर डिसीजन लेना है तो आपको थोड़ा खुद से रिसर्च करना चाहिए. अगर आप एक दो टीचर्स, एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भरोसे बैठ के रह गए तो आपको कभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, आपको उतना ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा जितना उनके पास कोर्सेज अवेलेबल है. आप देख लो, आप अगर आपने आज तक ज़िंदगी में कभी करियर सेमिनार्स अटेंड किया है, कोई भी करियर सेमिनार्स अटेंड किया, चाहे आप बिग सिटी में रहते हैं चाहे आप स्मॉल सिटी में रहते हैं, इफ़ यू हैव अटेंडेड एनी ऑफ द करियर सेमिनार्स, आई कैन गारंटी यू उस करियर सेमिनार में आपको सिर्फ उतना ही बताया गया होगा जितना उनके पास कोर्सेज अवेलेबल है. वो अपने ही कोर्सेज को बेचने के लिए आपको बुलाते हैं करियर सेमिनार्स के नाम पे. आपको अपना डिसीजन अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे लेना है, किसी का बेचा हुआ सपना को मत खरीदो. आपको अपना डिसीजन अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे लेना है. सो इन तीन टाइप के लोगों से थोड़ा सा कॉशियस होकर रहना है. नंबर वन योर फ्रेंड्स, बिकॉज दे आर इनएक्सपीरियंस्ड राइट नाउ. नंबर वन रिलेटिव्स, जो कि मोस्टली कम नॉलेज वाले लोग होते हैं. एंड नंबर थ्री द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही नॉलेज वाले लोग होते हैं. तो इन तीन टाइप के लोगों से थोड़ा बच के रहना है. आपको अपना डिसीजन लेना है इंटरेस्ट के बेसिस पे, इंटरेस्ट ले लिया या ट्रेंडिंग टॉपिक के बेसिस पे. इन दोनों बेसिस पे आपने टारगेट सेट कर लिया, फिर कोर्सेज करो, फिर डिग्रीज लो, फिर स्किल्स जमा करो, एंड देन आप अपने राइट करियर चॉइस पे पहुंच पाएंगे. यही एक तरीका है जहां आप खुशी खुशी अपना काम करेंगे. अदरवाइज गलत जगह पे चले जाओगे तो पूरा लाइफ फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन और एंगर में बीतेगा. आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा. अब हम लोग धीरे धीरे 15 डेज पे, एवरी 15 डेज पे हम लोग एक मॉडर्न करियर ऑप्शन पे बात करेंगे. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हर 15 दिन के बाद, हर 10-15 दिन के बाद हम लोग एक मॉडर्न करियर ऑप्शन पे बात करेंगे. दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या जॉब्स हो सकता है, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं. सो मॉडर्न करियर ऑप्शंस पे हम लोग बात करेंगे एवरी 15 डेज इसी चैनल पे. सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना. वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडर्न करियर ऑप्शंस, जो आई कैन गारंटी यू किसी करियर सेमिनार्स में आपको कभी नहीं बोला जाएगा. तो अगर आपको मॉडर्न करियर ऑप्शंस के बारे में जानना है, आपको सही डिसीजन लेना है, तो इस चैनल के साथ बने रहिए. हर 15 दिन पर हम लोग एक टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक में क्या क्या करियर ऑप्शंस है इसकी बात करेंगे. ठीक है, टिल देन आप अपना ख्याल रखो एंड वी विल मीट वेरी सून. टेक केयर एंड थैंक यू.